चलिए बात सलमान खान की करते हैं। सलमान जेल जाएंगे या फिर किस्मत उन पर मेहरबान रहेगी, ये फैसला कल लिया जाएगा। वो फिलहाल 48 घंटे की अंतरिम बेल पर हैं। इस बीच आज दिन भर उनके घर पर नेताओं और अभिनेताओं का तांता लगा रहा। हिट एंड रन मामले में सलमान को 5 साल की सजा हुई, हाई कोर्ट से 2 दिनों की राहत भी मिल गई। लेकिन ये वक्त मुश्किल का है और ऐसे मुश्किल वक्त में आम फैंस के अलावा बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक की कई नामचीन हस्तियां सलमान के साथ खड़ी हैं। आमिर खान सुबह से ही सलमान के घर पहुंचे और काफी देर उनके साथ रहे। जब वो जाने लगे तो सलमान उन्हें छोड़ने घर के दरवाजे तक आए। सलमान से मिलकर जाते वक्त आमिर उनके गले लग गए। क्या बातें हुई ये तो नहीं पता, लेकिन शायद यही कहा होगा, ऑल इज वेल। सलमान खान के राहत के 48 घंटों की मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही है। इसके आगे क्या हो सकता है, इसे लेकर भी तमाम अटकलें हैं। 50-50 चांसेस हैं कि इनकी मेरिट्स ऑफ द बेल पे सुनवाई हो जाए, और चूंकि बेल में इनका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है, ये देखा जाता है कि क्या पहले कोई ऑफेंस तो नहीं है और क्या चांसेस हैं कि वो हिंदुस्तान से छोड़ के चले जाएं, तो प्रीवियस कॉन्डक्ट के हिसाब से सलमान खान चूंकि 13 साल से लॉ अबाइडिंग रहे हैं मोर और लेस, और उसके बाद जो रीजंड ऑर्डर निकलेगा कोर्ट का, अगर वो खारिज हो जाता है तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी सलमान से मिलने उनके घर पहुंचे, तो कांग्रेस के नेता नीतीश राणे भी सलमान से मिलने पहुंचे। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।